से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। कृष्ण के लिए ये आजमाइश की घड़ी थी और तमन्ना का पहला कदम। जगह और वक्त दोनों तय हुए। माता रैग्न्या का आंगन, वो माता जिसके दर्शन मात्र से कृष्ण ने भक्ति कविताओं का बेड़ा सर पर उठाया था। वाह माता, धन्य है आप। आज आपके दरबार में एक तरफ कृष्ण जू राजधान और दूसरी तरफ महाराजा प्रताप सिंह जी के दर्शन हो रहे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं। वाह माता, वाह। कृष्ण जू, मुझे आपसे चंद बातें करनी हैं। जो आज्ञा महाराज। लेकिन आज्ञा हो तो पहले माता के चरणों में प्रणाम किया जाए। अवश्य, चलिए। अरे ये तो चमत्कार हो गया, माता के चश्मे का रंग ही बदल गया। आप धन्य हो माता, आप धन्य हो किशन जू। जैसा सुना था ठीक वैसा ही हुआ। आप धन्य हो। अब आज्ञा दे महाराज, कहाँ चलना होगा मुझे? कहीं नहीं, आप तो पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपको हमारा मार्गदर्शन करना है। मुझे आपसे जो कहना था, जो सुनना था, वो क्रिया मुकम्मल हो चुकी। अब आपको नहीं, मुझे आपसे आज्ञा चाहिए। इस मुलाकात के बाद महाराजा प्रताप सिंह राजदान साहब के भक्त बन गए। दरबार मुंह के समय महाराजा साहब आपके दर्शन हेतु धर्म के मामलों में परामर्श करने के लिए रात भर वनपु में पड़ाव डालते। तारीख गवाह है कि राजदान साहब किसी याचना को लेकर महाराजा साहब के दरबार में कभी नहीं गए। यही एक परम ज्ञानी की पहचान होती है। वो अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगता, न सरकार से न भगवान से। गुरुजी, आपका चेहता शिष्य अपनी कोई भी कविता नहीं लिखता, बल्कि दूसरों की कविताएं अपने नाम लिखकर आपको सुनाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा तुम्हारा विश्वास है सर्वानंद, मेरा नहीं। महाराज, उन्होंने कभी कोई कविताएं आपके सामने आपके दिए हुए विषय पे लिखी है? वो ज्ञान का सूरज है सर्वानंद, ज्ञान का सूरज। तुमसे मुझसे कोसों आगे, फिर भी मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह नहीं ठुकराता। समय बहुत बड़ी सच्चाई है, ये सब भी हम समय पे छोड़ देते हैं, समझे? आओ। और वो दिन आ गया। गुरुजी ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो डल झील की सैर के लिए चले। तीनों सैर पर निकल गए। डल के सीमा भी पानी पर नाव हिचकोले खाए जा रही थी और गुरुजी को ये धुन सवार थी कि वो कैसे सर्वानंद की बात को झूठ साबित करते, कैसे वो उसके सवालिया निशान को हर्फे गलत की तरह मिटा दे। कहां खो गए कृष्ण जी? गुरुजी,
मैं आपसे दूर नहीं हूं, आप ही के करीब हूं। दूर दूर तक फैली उस झील को देख रहे हो ना कृष्ण? हाँ गुरुजी, और जिस तरह ये लहरें अपने साहिल से मिलने के लिए बेकरार हैं, उसी तरह मैं भी बेकरार हूं अपने परम पिता से मिलने के लिए। गुरुजी, इस दुनिया से अब मन ऊब सा चुका है, क्या है इस दुनिया की हकीकत? शायद कुछ भी नहीं। नहीं कृष्ण जी, ऐसे नहीं, इसे कविता में कहो, कविता में। सर कुर संसार नदरुद्रा डल मुहोश चत की पंपो छा माया मंज निर्माया रोज स्वर रोज वराग राग स्वर बो माया मंज निर्माया रोज स्वर रोज वराग राग स्वर बो सत्संग क्यन बंगनी कंथा डल मुहोश चत की पंपो छा। अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा भक्ति में समर्पित करने के बाद जब आखिरकार मेरी मुलाकात उस परम शिव परमेश्वर से हुई तो उन्होंने मेरे कांधे पे हाथ रखकर पूछा कि कृष्ण जू, इतने साल क्या करते रहे तुम? मैंने कहा, मैंने भक्ति कविताएं कही हैं, मैंने सिर्फ आपके नाम का स्मरण किया है। किसी इंसान का दुख बांटा है, उसके लिए कविताएं कही हैं? उन्होंने पूछा तो मेरा सर झुक गया, लेकिन उन्होंने मेरे झुके हुए सर को अपने दोनों हाथों में लिया और मुस्कुराए, कहने लगे, अरे कृष्ण, तुमने तो वही किया। अपनी कविताओं में समस्त कायनात के दुख को समोया, जिंदगी के बोझ से थके हारे इंसान की भावनाएं ही तो तुम्हारी कविताएं हैं। तुमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया, मैं तुमसे खुश हूं। वाकई कृष्णजू राजदान ने अपनी कविताओं में जिंदगी से थके हारे इंसान के जज्बात को अपना मौजू बनाया। उन्होंने अपने शिव के सामने वो जज्बात रखे, उनसे आजिजी की कि वो इस आग के दरिया को पार कर सके। क्या सोच रहे हो? सारा जीवन आपने यूं ही सोच विचार में गुजार डाला। इस वक्त तो कम से कम अपनी सोच की जंजीरों से आजाद हो जाओ। देख मेरी तरफ रहे हो और खोए कहीं और हो। इसी बात का तो गम है, सारी उम्र बस तुम्हें देखता रहा, पहचान नहीं पाया।
कौन कहता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए? आपसे बेहतर तो मैं भी अपने आप को समझ नहीं पाई। अच्छा, अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। जानती हो ना, तुम्हारे बिना घर के कितने काम अधूरे पड़े हैं। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। अब अकेले ही आपको सारे काम करने होंगे। अब मेरा जाने का समय आ गया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप ही कहते हैं ना कि जो यहां आता है उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है। उसका असली घर वही है। और फिर आनंद राम भी वहां अकेला पड़ गया होगा ना? हाँ, और यहां भी तो तुम्हारा शंकर अकेला पड़ जाए। यहां आप हैं और मुझे मालूम है आप उसे संभाल लोगे। अरे नहीं, क्या तुमने मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है? मेरी बात सुनो, अभी थोड़ी देर अपने आप को संभालो। देखो, इतनी जल्दी मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर। आए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। हर समय आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे शिक्षा दी है। हर वक्त अच्छे में बुरे में मेरा साथ दिया है। और शायद मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे सजाया, सवारा। अब आगे भी इस अभागन का ख्याल रखना। अरे नहीं, मैं शायद सच झूठ नहीं जानता। शायद पाप पुण्य भी नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर जानता कि तुझ जैसी पगली को पाने के लिए मुझे अपने अगले पता नहीं कितने जन्म गवाने पड़ेंगे। तो फिर एक वायदा करो मुझसे कि जब भी जन्म लोगे मुझे ही अर्धांगिनी के रूप में अपने शिव से मांगोगे। मुझे मालूम है वो आपकी सुनता है। ठीक है, आपका यह माने लेते हैं। तुम्हारा ये कृष्ण अपने भगवान शंकर से जरूर प्रार्थना करेगा कि तुम जन्म जन्म बस मेरी होके रहो, सिर्फ मेरी होके। ये वादा है मेरा ये तुमसे। मुझे नींद आ रही है कृष्ण। वो
वो कविता सुनाओ। पांच तो यावनिन। अच्छा मैं सुनाता हूं। शायद उन्हें भी अर्निमाल और आनंदराम की याद सताने लगी थी। आंखें खोलते तो घबरा जाते, आंखें बंद करते तो भक्ति के सागर में खो जाते। आपको तो बहुत तेज बुखार है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं अभी हकीम को बुला के लाता हूं। मेरे बेटे, अब हकीम मेरा इलाज नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। अकेलापन हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे हम चाहते हुए भी नहीं भाग सकते। आना अकेले, जाना अकेले, इस संसार में हम साथ रहते हुए भी दरअसल एकदम अकेले हैं। अकेलेपन से घबराते नहीं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं? इंसान चाहे तो अकेलेपन में अपनी पहचान की तलाश कर सकता है, सत्य की तलाश कर सकता है। अकेलेपन से डरो मत, इसे अपनी शक्ति बनाओ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पिताजी, मैं शंकर भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इतने लंबे अंतराल के बाद उन्हें मेरी याद आ ही गई, अपने पास बुलाया है मुझे। अरे आज तो मेरी भक्ति सफल हुई है, आज तो मेरी मुक्ति का दिन है। तुम शंकर भगवान से जरूर प्रार्थना करना, लेकिन मेरी लंबी आयु के लिए नहीं, मेरी मुक्ति के लिए। उन्हीं के हाथों में सौंप के जा रहा हूं तुम्हें, लेकिन रोज उनका नाम जरूर लेना, उनकी आराधना करना। संसारी उलझने तुमसे दूर रहेंगी। पिताजी। बेटे रोते नहीं, ये संसार एक सराय है, इसमें जो भी आता है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही होता है, यही नियम है। तुम्हारी मां चली गई, तुम्हारा भाई चला गया, रोना तो मैंने भी चाहा था,
लेकिन रोका था खुद को, रोते नहीं, सत्य का सामना करो। उठो वहां कुशा बिछाओ और सामने दिया रखा है उसे सिराने के पास रख दो। जाओ मेरे बेटे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कुसकस जगतै कुसकस मरे छरा छुथरा श्री हर कुसकस दीवस पूजा करे छरा छुथरा समसार छुकमीस यमीस छुतमीस अमीज गागल छै अवेद्या यथ ब्रह्म दीशस मंज उस दरे छरा छुथरा श्री हर कृष्णा। ओ कृष्णा, कहाँ गए तुम कृष्णा? मैं कहीं नहीं गया, मुझे महसूस करो, मैं यही हूं आपके करीब, आप सबके दिलों में, कश्मीर के फूलों में महकता हुआ, नदियों में बहता हुआ, हवाओं के रथ पर सवार, मैं कृष्ण, कृष्ण जुराजदान।